हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने वाले हैं करी पत्ता, धनिया और पुदीना की चटनी। तो सबसे पहले मैंने जार में 1 चम्मच जीरा आधा चम्मच लिया है और नमक स्वाद के अनुसार 1/4 टीस्पून काला नमक लिया है। ये है धनिया और करी पत्ता, नींबू, हम एक हरी मिर्च काफ़ी बड़ी है जो वो डाल रहे हैं, अदरक का टुकड़ा है ये 1 इंच के करीब, ठीक है, इसको भी डाल देंगे इसमें। और साथ में डालेंगे इसके लहसुन की कलियां, 3 से 4 आप लहसुन की कलियां ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें पुदीना के पत्ते, कितने साफ अच्छे से हमने फ्रेश धो लिया है। ये धनिया फ्रेश है बिल्कुल, और ये हैं करी लीव्स, ठीक है। नींबू का जूस डालेंगे इसमें और इसको मिक्स करेंगे, बीज अगर गिर गया तो निकाल लेंगे इसको। नींबू हमने निचोड़ लिया है, अब हम इसको ग्राइंड करते हैं चटनी को। और ये देखिए चटनी कुछ इस तरह से पीस के तैयार है, हमने इसको टेस्ट कर लिया है, बहुत ही लाजवाब है। थोड़ा पानी डालकर हमने पीसा है, कुछ तो पत्तियां गीली थी। जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ना वैसे आप ये बना सकते हैं, और यकीन मानिए ये बड़ी हेल्दी चटनी है, तो ज़रूर आप अपने डाइट में इसको शामिल करें। करते हैं प्लेटिंग, और ये देखिए ये धनिए पुदीने की चटनी से भी ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ही बढ़िया। तो ये ज़रूर इस सर्दी में ट्राई कीजिए चटनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।